अच्छा विक्रांत दुनिया इनका चैनल है, आप लोग प्यार दीजिए जिस तरह मुझे प्यार देते हैं, आप लोग इनके साथ अपडेट रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भाई कितने दूर से हैं। नमस्कार दोस्तों, विक्रांत की दुनिया में आप लोग स्वागत है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आज फिर से नए ब्लॉग लेकर आ गया जिसमें आप थंबनेल में देखे होइएगा, मनी मिराज जी के साथ आज हम वीडियो बनाएंगे और उनका ऑफिस और सारे टीम से मिलवाएंगे, उनका घर दिखाएंगे और सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं उनके ऑफिस या घर पे चलते हैं और पता करते हैं। अभी हम साहेबगंज में हैं जो कि साहेबगंज से चौक ही है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। और इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ नए नए सेलिब्रिटी का और वीडियो ब्लॉग हर देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप मुजफ्फरपुर की तरफ से अगर उधर से आते हैं तो ये मुजफ्फरपुर की तरफ से अगर आते हैं यहाँ पर मंदिर है साहेबगंज में, नवल किशोर चौक हो गया, और ये मंदिर याद के लिए देख लीजिएगा आप लोग। और ये एक चौराहा है जो कि इधर बौद्ध स्तूप के सरिया दबरिया जाता है, और ये रास्ता जो जाती है इधर 2-1 किलोमीटर अंदर गांव में मनी मिराज जी का घर है। आप आइएगा तो आप जा करके देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उधर बौद्ध स्तूप है उधर घूम सकते हैं, और फिर इधर मुजफ्फरपुर वापस जा सकते हैं। फिर चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे जा करके यहाँ पर पुल है, और पुल के जस्ट आगे वहाँ पर आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में ही इनका ऑफिस है मनी मिराज जी का। तो चलिए अभी ऑफिस चलते हैं। ये हो गया मनी मिराज जी का ऑफिस, फिर चलिए उनसे मिलते हैं। और ये मनी मिराज जी का बाइक हो गया जो कि ये यूट्यूब का कमाई से लिए है पैसा से। अभी मनी मिराज जी कहीं गए हुए हैं, चलिए हम उनके घर पे चलते हैं। और दोस्तों बता दें कि आप लोगों को ये पीछे जिनका घर देख रहे हैं ये इन्हीं का है, मनी मिराज जी का है। और ये इनका घर देख सकते हैं आप लोग, और ये इनका दूसरा हो गया, ये पूरा सटा हुआ, ये पूरा मकान इन्हीं का है। चलिए उनके भाई से मिलते हैं। और ये इनका घर हो गया, चलिए इनका घर पे इन करते हैं, दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये नया मकान इनका बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, चलिए चलते फिर अंदर। और ये पूरा इनका कैंप बरामदा वगैरह हो गया, ये छत पे जाने के लिए सीढ़ी हो गया, बहुत ही शानदार मकान बनाया है मनी मिराज जी। इनका भाई है बट वो पहले कैमरे में नहीं आएंगे, तो कोई नहीं, चलिए फिर उनसे मिलते हैं, मनी मिराज जी से मिलते हैं। और दोस्तों बता दें कि अभी हम मनी मिराज के घर पे ही हैं, तो उनके एक अंकल है तो वही फ़ोन किए हैं, तो उनसे मिलने का टाइम हम लोग लिए हैं क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शूट वगैरह में, तो 4 बजे के बाद हमको बोले मिलेंगे, तो फिर चलिए हम मिलेंगे 4 बजे शाम को मिलेंगे, आए हुए तो मिलकर ही जाएंगे। और अंकल जी उनके थे वो वीडियो में आए तो नहीं है, लेकिन वो नंबर हमको दिए हैं, तो हम चाह रहे थे वो वीडियो में आए उनके बारे में कुछ बताएं, लेकिन वो बोले कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आते हैं। चलिए कोई नहीं, हम मनी मिराज से डायरेक्ट उनका बात करेंगे। दोस्तों बता दें कि अभी हम उनके मनी मिराज जी के दोनों भाई से मिले हैं, उनके छोटे भाई थे 2, और उसकी माँ से भी मिले, उनके माँ से भी मिले हैं। माँ जी वीडियो में आने से तो मना कर दिए, भाई लोग भी मना कर दिए है, पर कोई नहीं। A few moments later. दोस्तों बता दें कि हम मनी मिराज जी से मिले। मनी मिराज जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, और आप उभरते हुए बिहार का सितारा है और यूट्यूब का वायरल यूट्यूबर है, तो चलिए इनसे हम लोग मिलिए। और सुबह से ही वेट कर रहे थे, क्या मिला, बट ये शूट पे कम गए हुए थे और शूट कंप्लीट करके आए हैं तो मिले हैं, तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका इतने दूर से आए मेरे लिए। और गाइस तो ये भाई है सीतामढ़ी से, यहाँ से 200 किलोमीटर है सीतामढ़ी, इतने दूर से आए। ये भाई का चैनल है विक्रांत की दुनिया, तो आप लोग प्यार दीजिए, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद कोई बात होगी। और बताइए भाई। दोस्तों बता दें कि बहुत लोगों का मन में सवाल रहता है कि ये YouTube मतलब कब से स्टार्ट किए, कैसे किए, तो थोड़ा सर आप जर्नी के बारे में बताइए अपना। देखिए YouTube में मैं 1.5 साल से, अभी 1.5 साल हुआ है मेरा YouTube का जी, और गोल्ड भी आ गया है, सिल्वर भी आ गया है, और मेरा 32 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, यानी कि थोड़े से कम है 10 लाख। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग दे रहे हो, तो बस इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए, और आप लोगों के लिए मैं हर मतलब इससे भी ज़्यादा फनी वीडियो आप लोगों के लिए भी चलाते रहूँगा। और आपका नेक्स्ट वीडियो भी कब आ रहा है? वीडियो अभी शूट हो रहा है जी, बाकी है लास्ट वाले सीन, और बाकी शूट हो गया और टीजर भी हमें डाल चुका है। अच्छा सर, सिर्फ बाकी है। और ये काम कर जब से कर रहे हैं आप, तब से फैमिली में क्या रिएक्शन आया आपका? जी पहले फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता ये तो बात है, लेकिन शुरू में उतना नहीं मिलता था जी, जी आज मिलता है पूरा। अच्छा, तो पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है घर जी, जी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बिल्कुल। हाँ आप कुछ करके दिखाएंगे तब सपोर्ट, कोई भी चीज़ में जी, जी अगर अच्छा पढ़ते हैं, अगर कहीं दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं या कोई भी मतलब काम करना चाहते हैं। अच्छा उस लाइक अगर आप हैं तो आपके माता पिता आपको उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या अगर एक्टर ही बनना है तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा जी, हम इस लाइक है और हम कर सकते हैं ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि
आपने पढ़ाई मतलब ये स्कूल में ड्रॉप कर रखे आप? हाँ हाँ, पढ़ाई मेरा जो है मैट्रिक नॉन मैट्रिक है। अच्छा, नॉन मैट्रिक, मैथमेटिक्स एग्जाम नहीं दिया? मैट्रिक एग्जाम दे दिए फेल हो गए। अब सॉरी तो इसके लिए। कहाँ से आते हैं? ठीक है, बात क्या होता है कि सक्सेस की बात होती है, और आप किसी भी बड़े मुकाम पर पहुँच जाते हैं आपका डिग्री मान्य नहीं रखता। हम भी मतलब ग्रेजुएशन करके मैं डिग्री मतलब फाइल भी रखता हूँ। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मुझे ये नसीब नहीं हुआ और मैं फेल हो गया। पढ़ाई लिखाई में अपराध है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिल जो मतलब इच्छा जो करता है ना अंदर से करने का, वही करना चाहिए, और आप वो जुड़ी के साथ करते हैं सक्सेस मिलते हैं। जो कि आप सामने देख रहे हैं इनका, हमको याद है हम नवंबर में इनका चैनल देखे थे, 7.5 लाख सब्सक्राइबर था, जो कि आज इनका 32 लाख सब्सक्राइबर है। तो हम बहुत ही सोच रहे थे मिलने का, लेकिन इनका एड्रेस पता नहीं था, पर किसी तरह से पता करके आ गए, आज मिल भी लिए, बहुत खुशी हो रही है। और मनीमा जी, आपका एक और सवाल जो रहता है लोगों का कि आप यूट्यूब से कितना इनकम कमा लेते हैं, एक एस्टिमेट आप बता दीजिए। सवाल ये बहुत करवा है जी। हाँ, यूट्यूब के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। खिलाफ भी है, और मैं बस बताना चाहूँगा कि इतना कम नहीं, मतलब हम लोग कर लेते हैं जी जी, जितना लोग घर बोलना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और सुनने में ये भी आया है कि आपको शायद भोजपुरी इंडस्ट्री से या कहीं भी से अगर ऑफर आया काम के लिए? ऑफर आता है, लेकिन अभी मेरे को नहीं करना है, मतलब हमारा नहीं करेंगे भाई भोजपुरी में। जी जी, तो ऐसे आपको कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको आता रहता है, लेकिन कोई अच्छा ऑफर आया तो करेंगे मैं अपने हिसाब से। जी जी, ऐसे भोजपुरी फिल्म अगर आएगा ऑफर तो कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, अच्छा करेंगे। अब भोजपुरी अच्छा है अपना, ये देसी लैंग्वेज है, आप थिएटर में और भोजपुरी में वीडियो बनाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और सुनने में ये भी आया कि शायद खेसारी लाल जी के देखिए, बहुत सारा सुनने में आएगा, लेकिन बहुत सारा फेक रहता है उसमें, वो वही क्लियर करना चाह रहे थे। हाँ नहीं, बहुत सारा इंटरव्यू ले लिया से बचे रहे। जी जी हाँ, वही ले लिया। अच्छा ठीक है, और कुछ सवाल है आपके? हाँ, और सवाल ये है कि स्टूडियो दिखाना है। हाँ चलिए, तो आप स्टूडियो दिखाइएगा इनके साथ। तो मणिमिरा जी, आप मेरे चैनल के बारे में थोड़ा दोस्त मेरे दर्शकों को बोल दीजिए। आप विक्रांत दुनिया इनका चैनल है, आप लोग प्यार दीजिए जिस तरह मुझे प्यार देते हैं, आप लोग इनके साथ अपडेट रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भाई कितना दूर क्या है, और क्या आप लोग इस चैनल से देख रहे हैं भाई। ये भाई काफ़ी मेहनत करते हैं और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ और बहुत सेलिब्रिटी से मिलाते हैं, जैसे कि हम लोग छोटे आदमी हैं, सेलिब्रिटी नहीं है, बोल सकते हैं। आप लोग प्यार दीजिए जिस तरह मुझे देते हैं भाई, प्यार दीजिए गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और ये इनका स्टूडियो का व्यू हो गया, इनके उपलब्धि है, इनका आप स्केच देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्केच बना गया हुआ। इनका सिल्वर मेडल है, दो दो चैनल का दो है, उसके बाद ऊपर में गोल्ड मेडल का हो गया, बाकी यूट्यूब का वो कंडीशन पेपर सकता है। ये गोल्ड मेडल हो गया, दो सिल्वर हो गया, और इनका ये हमारे बिहार के उभरते हुए सितारे, और ये इनका पूरा यूट्यूब का सेटअप हो गया।